आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मेडिसिंस या फिर दवाइयाँ जो कि एक तरह से हेयर फॉल में मदद करती हैं, और वो भी स्पेसिफिकली मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फिर एंड्रोजेनिक एलोपीसिया में। देखिए, अगर अपन बात करें मेल पैटर्न बॉल्डनेस की या फिर एंड्रोजेनिक एलोपीसिया की, तो इसका जो बेसिक कॉज होता है, जो बेसिक रीज़न होता है, वो होता है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन DHT। तो वो तो मेल हार्मोन एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी मेल पेशेंट के अंदर एक तरह से बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट रहता है, तो उसे किसी भी दवाई से रोकना इज़ इम्पॉसिबल। बट हाँ, डेफिनेटली हम जो वो प्रोसेस है हेयर फॉल का, जिसमें कि एंड्रोजेनिक एलोपीसिया या मेल पैटर्न बॉल्डनेस के अंदर बॉल्डनेस बढ़ रही है, उस प्रोसेस को हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं। अगर कभी भी किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम, किसी भी मेल पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम लगती है और वो अपना स्कैल्प खुद देखेंगे, तो उन्हें एक चीज़ नोटिस होगी जो कि टिपिकल है मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए या फिर एंड्रोजेनिक एलोपीसिया के लिए, वो है थिनिंग। थिनिंग बेसिकली जो होती है बालों के अंदर, उसे हम साइंटिफिक टर्म्स में मिनिएचराइजेशन कहते हैं। जो बाल होते हैं मेल्स के अंदर, स्पेशली जो फ्रंट एरिया होता है, टॉप एरिया होता है और क्राउन एरिया होता है, उसके जो बाल होते हैं उनकी जो रूट होती है वो सेंसिटिव होती है। वो जेनेटिकली या अनुवांशिक रूप से पहले ही एक तरह से सेंसिटिव होती है मेल हार्मोन DHT के लिए, और DHT जो उस पर इफेक्ट करता है वो एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट करता है। DHT जैसे ही उस बाल की जड़ से अटैच होता है, उस बाल को एक तरह से पतला या कमज़ोर करता जाता है, जिस प्रोसेस को मिनिएचराइजेशन कहते हैं, और उस बाल को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और वो बाल रूट सहित चला जाता है। तो जो बाल मेल पैटर्न बॉल्डनेस में या एंड्रोजेनिक एलोपीसिया में जड़ से चले जाते हैं, उन्हें किसी भी तरह से, किसी भी दवाई से वापस नहीं लाया जा सकता। पर हाँ, जो बाल आपके जाने वाले हैं, जो बाल थिनिंग हो रही है, जो एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस है और वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका एक प्रोसेस स्लो करने के लिए कुछ हम दवाइयाँ डेफिनेटली प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जो दवाइयों की अगर हम बात करें फॉर हेयर फॉल और फिर और या फिर मेल पैटर्न बॉल्डनेस या एंड्रोजेनिक एलोपीसिया के लिए, तो FDA की तरफ से सिर्फ दो ही दवाइयाँ हैं जो कि अप्रूव्ड हैं फॉर मेल पैटर्न बॉल्डनेस या हेयर लॉस इन मेल्स। एक दवाई है फिनेस्टेराइड। फिनेस्टेराइड जो एक मेडिसिन है, वो बेसिकली क्या करती है कि जैसे मेल हार्मोन है अपना टेस्टोस्टेरॉन, वो कन्वर्ट होता है अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट DHT में। तो फिनेस्टेराइड ये जो एक्टिव कन्वर्जन है उससे ब्लॉक करती है। जब ये कन्वर्जन ब्लॉक होता है तो DHT का जो एक्शन होता है हेयर की रूट पे, जो कि मिनिएचराइजेशन कॉज करता है और परमानेंट डैमेज कॉज करता है, उसे वो कुछ हद तक रोकता है। तो फिनेस्टेराइड इस तरह से मदद करता है बालों का मिनिएचराइजेशन कम करने में और बालों की लाइफ बढ़ाने में। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि सर फिनेस्टेराइड हम लेते हैं तो ये सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स, एक तरह से एक कुछ जैसे सेक्सुअल ड्राइव कम होना और भी तरह सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। तो फिनेस्टेराइड डेफिनेटली कुछ परसेंट केसेस में ये करती है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत ही कम है। अगर हम बात करें साइंटिफिकली, तो करीबन 2% पेशेंट्स के अंदर जो कि फिनेस्टेराइड लेते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन उनमें भी ज़्यादातर पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर किन्हीं पेशेंट्स में ये नंबर फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल होती है, तो ये दवाई बंद करने के 2 से 3 महीने के अंदर सब चीज़ें नॉर्मलाइज कर जाती हैं। किसी भी तरह का कोई परमानेंट डैमेज या परमानेंट इफेक्ट इस दवाई का नहीं रहता है। इसके अलावा, फिनेस्टेराइड के अलावा और जो दूसरी मेडिसिन जो FDA अप्रूव्ड है हेयर फॉल को कम करने के लिए मेल्स में, वो है मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल जो है वो बेसिकली कुछ अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ्स में आती है, 2%, 5%, 10%। जो मैक्सिमम एडवाइस की जाती है वो 5% मिनोक्सिडिल एडवाइस की जाती है। मिनोक्सिडिल क्या काम करती है स्कैल्प में जब हम लगाते हैं? मिनोक्सिडिल बेसिकली जब हम रूट्स में लगाते हैं या स्कैल्प पे लगाते हैं बालों की, तो वो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो मिनोक्सिडिल इसीलिए जब भी आप अप्लाई करें तो कोशिश करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो स्कैल्प पे लगे, स्कैल्प की स्किन पे लगे। और 45 मिनट्स तक मिनोक्सिडिल को लगाने के बाद कोई और दूसरी चीज़ अप्लाई ना करें, क्योंकि एक 45 मिनट से लेके 60 मिनट तक का टाइम रहता है जिसमें मिनोक्सिडिल अपना पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है स्कैल्प से और वो अपना पूरा काम कर देता है उस ड्यूरेशन में। उसके बाद आप अपने स्कैल्प पे कुछ और लगाना चाहें या कोई और चीज़ अप्लाई करना चाहें तो वो आराम से कर सकते हैं।
अब बात करते हैं मिनोक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स, क्योंकि काफ़ी लोग आके हमें कहते हैं कि सर मिनोक्सिडिल जब मैं लगाता हूँ तो बाल अच्छे हो जाते हैं, और बंद करते ही रिबाउंड हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो मिनोक्सिडिल के अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो बहुत बेसिक से कुछ इनिशियल साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे कॉमन चीज़ होती है वो होती है लोकल इरिटेशन या फिर खुजली होना, जो कि इनिशियली शुरू करने पर एक तरह से शुरू होती है, मिनोक्सिडिल शुरू करने पे शुरू होती है, लेकिन करीबन आप ये मान के चले 7 दिन 10 दिन 15 दिन लगाने पे वो काफ़ी हद तक लोगों के अंदर कम हो जाती है और लोगों को मिनोक्सिडिल से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी प्रॉब्लम जो मिनोक्सिडिल के साथ आती है वो आती है, लोग कहते हैं कि साहब डैंड्रफ हो गया, या फिर बाल ड्राई हो गए हैं और छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद दाने से बन जाते हैं। तो उसका बेसिकली कारण ये है कि मिनोक्सिडिल जिसमें सॉल्यूशन में बनाई जाती है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है बालों के अंदर, और वो एक तरह से डेंड्रफ का फील देता है या ड्राइनेस का फील देता है। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप जब भी लगाएं मिनोक्सिडिल तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा स्कैल्प में लगे, और मिनोक्सिडिल लगाने के 45 मिनट से 1 घंटे के बाद आप या तो कोम कर लीजिए बार बार 2-3 बार, और या फिर कोई और हेयर सीरम लगा लीजिए जिससे कि बालों की ड्राइनेस और ये जो ड्राई फ्लेक्स जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कम से कम हो जाएं। अब बात करते हैं रिबाउंड हेयर फॉल के मिनोक्सिडिल के बाद। मिनोक्सिडिल जब तक हम लगाते हैं तो बालों में एक तरह से अच्छा असर आता है, एक लिमिट तक आता है। ऐसा नहीं है कि मिनोक्सिडिल हम लगाते जाएंगे तो बाल आते जाएंगे या बालों की ग्रोथ होती जाएगी और वो कभी भी नहीं जाएंगे। नहीं, मिनोक्सिडिल जब हम लगाते हैं तो वो एक बार ग्रोथ बढ़ती है, फिर प्लेट्यू आता है, एक तरह से स्टैटिक हो जाती हैं चीज़ें, फिर धीरे 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 बाल जिनकी जिन बालों की लाइफ कंप्लीट होती जा रही है वो धीरे धीरे जाते ही जाते हैं, और यही होता है मिनोक्सिडिल बंद करने के बाद। मिनोक्सिडिल लगाने से जो बाल आ रहे होते हैं, जैसे ही हम मिनोक्सिडिल बंद करते हैं तो वो बाल जो एक तरह से जिन जिन बालों की लाइफ बड़ी है वो बाल जाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मिनोक्सिडिल लगाना बंद करने से रिबाउंड हेयर फॉल हो जाता है, ये हो जाता है, बस ये कि जो फ़ायदा मिनोक्सिडिल से मिल रहा होता है वो मिलना बंद हो जाता है। ये तो मेडिसिंस थी। इसके अलावा दवाइयाँ तो ये बेसिकली दो ही हैं, और इनमें मैं दवाइयाँ नहीं कहूँगा, ये बेसिकली एक तरह से सप्लीमेंट्स हैं जो कि बालों को अगर अपन प्रोवाइड करा देते हैं तो उससे बालों की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है और बाल गिरना थोड़े कम हो जाते हैं कुछ समय के लिए। अब इसके अलावा अगर हम बहुत बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके रखें, अच्छे से खुद का ध्यान रखें, बालों का ध्यान रखें, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, तो ये सब चीज़ें भी इन दवाइयों का इफ़ेक्ट बढ़ाने में और कारगर साबित होती है और हेयर फॉल को थोड़ा कम करती है। तो नटशेल में अगर हम बात करें तो एंड्रोजेनिक एलोपीसिया या मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो फिनेस्टेराइड और मिनोक्सिडिल हैं, और ये डेफिनेटली अपने को अप्लाई करना चाहिए जिससे कि बालों की लाइफ बढ़े और एक जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर या फिर बॉल्डनेस का जो एक प्रोसीजर है जो चलता रहता है उसे हम थोड़ा स्लो या डिले कर सकें। थैंक यू।